अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियों के साथ। जब मैं रिसर्चेस कर रहा था तो एक्वेरियंस आर वेरी गुड एट द मोमेंट। जो टाइम बिहेवियर, जो प्लैनेटरी पोजीशन, जो आपकी स्किल डेवलपमेंट चल रही है, वो इस वक्त भरपूर अंदाज से आपको कामयाबियों की तरफ गामजन करेगी। तफसील अभी बयान करूंगा। ये 20 नवंबर से 26 नवंबर तक का हफ्ता है। दो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं, दोनों आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं। एक 22 नवंबर को सूरज आपके लिए 11th एंगल पर आ जाएगा। 11th एंगल इज अ सैजिटेरियस एंगल। सूरज सैजिटेरियस एंगल पर काफी प्रोडक्टिव होता है, बहुत सारे फायदे देगा, तफसील अभी वीडियो में बयान करूंगा। दूसरा एडवांटेज मिलेगा 24 नवंबर को, मार्स भी सैजिटेरियस एंगल पर आ जाएगा। दैट मींस के दो फायर नेचर प्लैनेट फायर नेचर एंगल पर आएंगे एंड दोनों के बेनिफिट्स गैर मामूली हैं, रीडेबल हैं, विजिबल हैं एंड अफेक्टिव हैं। एंड मरकरी ऑलरेडी पिछले हफ्तों से आपके 11th एंगल पर, इसी सैजिटेरियस एंगल पर चल रहा है। सो ग्रुप ऑफ थ्री प्लैनेट्स इस वक्त आपके 11th एंगल को रोशन कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस जिंदगी के कई शोबों में एक्वेरियंस को फेवर देंगे, वन बाई वन बयान करता हूँ। मार्स का 11th एंगल पर आना आपके करियर को सपोर्ट करेगा। मार्स वैसे ही आपके करियर का रिप्रेजेंटेटिव है, कभी भी अच्छी फॉर्म में हो तो आपका करियर फ्लरिश करता है। एंड करियर इज द 60% ऑफ योर लाइफ, उससे ख्वाहिशें, ज़रूरतें, जिम्मेदारियां, ये सब पूरी हो जाती हैं, इंसान ट्रैक पर रहता है। एंड फिर सक्सेसेस जो हैं, जो करियर सक्सेसेस हैं, वो बंदे को अंदर से एक कॉन्फिडेंस देती हैं, जिससे वो दुनिया की दौड़ में, जिम्मेदारियों की दौड़ में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी निभा पाता है। जो अभी ज़रा लिंगर ऑन होते हैं करियर में, वो बेचारे फिक्रों में मुलव्वस होते हैं। खैर, यू आर गोइंग गुड। आपके लिए प्रॉपर्टी इस वक्त रास है, लेन देन करना, इन्वेस्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, लर्निंग स्किल्स इन्हेंसमेंट, एथलेटिक्स, सरकारी जॉब्स, जॉब को स्विच करने के लिए यू आर ऑन, ओके। एंड साथ में आप अपनी फैमिली लाइफ के लिए भी कुछ हेल्पिंग हैंड के तौर पर इकदाम कर सकते हैं। जो आपसे कम लकी रिलेटिव्स हैं, उनके लिए आप अपनी सक्सेसेस से उनके रास्ते भी खोल सकते हैं। फिर ये 11th एंगल पर हैं तो यू आर कैंडिडेट ऑफ सडन गेंस, यू आर कैंडिडेट ऑफ सम कंबाइन एफर्ट्स, यू आर कैंडिडेट ऑफ सम ओवरसीज ट्रैवलिंग एंड इस तरह के काम जिसमें आप एक से ज़्यादा मल्टी, मतलब एक से ज़्यादा बिजनेस करना चाहें या एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना चाहें। तो इतने फायदे सिर्फ एक प्लैनेट से। अब अगला प्लैनेट सुनिए, सन आपके 11th एंगल पर है। दैट मीन्स एक तो ये लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, ब्रेवरी, रिस्क टेकिंग नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन देता है। लेकिन ये आपका 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो जब भी सूरज अच्छा हो किसी अच्छे एंगल पर, तो रिलेशनशिप डेवलपमेंट आती है, डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होता है, क्राइसिस इन द रिलेशनशिप वो जाते रहते हैं, आपके खुद के अंदर भी पैशन एंड रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, मोहब्बतें इंक्रीज करती हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होते हैं, मेरिटफुल डिसीजंस होते हैं, या फिर रिलेशनशिप जो है वो मजीद नेक्स्ट लेवल्स पर जाता है, मोर प्लेजेंट, मोर लकी, मोर इत्तफाक वाला, बरकत वाला, खैर वाला बनता है।